गोपालगंज में थप्पड़ मारने वाली डीएसपी ज्योति कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत बंद के दौरान सड़कों पर उतरी डीएसपी ज्योति कुमारी वाहन जांच करने लगी और बिना हेलमेट वाले चालकों पर डंडे बरसाना और थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। खबर के साथ लगे वीडियो में आप देख सकते हैं कि डीएसपी ज्योति कुमारी कभी डंडा बरसा रही हैं तो कभी थप्पड़ मार रही हैं। इन युवकों का कसूर था कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे। एक वीडियो में दिख रहा है कि डीएसपी की थप्पड़ खाने के बाद डरा सहमा युवक खुद को छात्र बताता हुआ बैग से अपनी कॉपी किताब निकाल कर दिखा रहा है। वायरल वीडियो में डीएसपी के साथ सादे लिबास में एक युवक डंडा लिए दिखा, जो डंडे के बल पर वाहनों को रोक रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सभी वीडियो गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के हैं। यहां भारत बंद के दौरान डीएसपी ज्योति कुमारी वाहनों की जांच करने पहुंची थी। डीएसपी के एक इशारे पर उनके बॉडीगार्ड ने फटफटिया की हवा भी निकालना शुरू कर दिया। दरअसल जिन लोगों के पास चालान देने के पैसे नहीं थे, उनकी फटफटिया की हवा निकाल दी गई और नगर थाने की पुलिस को सौंप दी गई। आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट किया गया है और डीएम की ओर से धारा 144 लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी अधिकारियों को अपने अपने इलाके में भ्रमण कर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस मामले में जब डीएसपी ज्योति कुमारी से कैमरे पर पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए खुद के ऑथराइज्ड नहीं होने की बात कही।